हेलो एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। इसको RIP प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, एंड दिस इज द फर्स्ट प्रोटोकॉल विच वी आर गोइंग टू स्टडी। जैसे हमने देखा था कि इंट्रा डोमेन और इंटर डोमेन दो टाइप्स के डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, और इंट्रा डोमेन में पहले हमने देखा था डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, जो कि एक एल्गोरिदम है, और उस एल्गोरिदम के ऊपर एक प्रोटोकॉल बेस्ड है जिसको हम बोलते हैं RIP प्रोटोकॉल। सो दिस इज एन इंट्रा डोमेन और इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल विच इज बेस्ड ऑन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एंड इट इज यूज्ड इनसाइड एन ऑटोनोमस सिस्टम। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं RIP प्रोटोकॉल के केस में। सो फर्स्ट इज राउटर एंड नेटवर्क लिंक्स आर कॉल्ड नोड। तो जितने भी राउटर्स होंगे और जो नेटवर्क है उनको हम कहते हैं नोड। फर्स्ट कॉलम ऑफ राउटिंग टेबल इज नेटवर्क एड्रेस, जो कि क्या है, डेस्टिनेशन। तो राउटिंग टेबल का जो पहला कॉलम है वो डेस्टिनेशन कहलाता है, जैसे हमने डिस्टेंस में वेक्टर राउटिंग में भी देखा था। कॉस्ट ऑफ मेट्रिक इन RIP इज कॉल्ड एज हॉप काउंट, विच इज द नंबर ऑफ नेटवर्क विच नीड्स टू बी पास्ड। देन इन्फिनिटी इज डिफाइंड बाय अ फिक्स्ड नंबर विच इज 16। इट मीन्स दैट यूजिंग एन RIP कैन नॉट हैव मोर देन 15 हॉप्स। एंड द नेक्स्ट नोड कॉलम डिफाइंस द एड्रेस ऑफ द राउटर टू विच द पैकेट इज टू बी सेंट टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, या फिर सिंपल आप कह सकते हो इसको नेक्स्ट हॉप। तो पूरा डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग है, सारे वही पॉइंट्स हैं। तो इसमें जो मेन पॉइंट है, दैट इज इन्फिनिटी को 16 फिक्स कर दिया गया। सो अब देखते हैं एक RIP का जो मैसेज है उसका फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, सो द फॉर्मेट इज लाइक दिस। लेट मी ड्रॉ द फॉर्मेट एंड देन कम बैक टू द वीडियो। सो दिस इज द RIP मैसेज फॉर्मेट। अब इसके अंदर कुछ फील्ड्स हैं, जैसे कि सबसे पहले होता है कमांड, उसके बाद वर्जन, देन रिजर्व्ड फील्ड, ऑल जीरोस, यहाँ पे है फैमिली, इसके बाद ये यहाँ पे है नेटवर्क एड्रेस जो कि डेस्टिनेशन एड्रेस है, देन अगेन ऑल जीरोस, और यहाँ पे होता है डिस्टेंस। ठीक है, सो ये कंप्लीट आपका RIP का मैसेज का फॉर्मेट है। अब इसमें हर फील्ड का क्या काम है, किस लिए यूज होती है, एक बार उसको स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले है कमांड। सो कमांड इज अ 8-bit फील्ड, इट इज अ 8-bit फील्ड एंड इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई टाइप ऑफ मैसेज। सो कमांड में क्या है, कमांड में है टाइप ऑफ मैसेज। किस किस टाइप के मैसेज हो सकते हैं, या तो रिक्वेस्ट होगा या फिर रिस्पॉन्स होगा। सो इट इज आइदर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, या तो रिक्वेस्ट होगा या फिर रिस्पॉन्स होगा। सो दैट इज कमांड। इसके बाद हमारे पास वर्जन, दिस इज अगेन एन 8-bit फील्ड एंड ये आपका शो करता है कि किस वर्जन को आप यूज कर रहे हो, RIP का वर्जन। सो RIP के जनरली दो वर्जन है, वर्जन 1 एंड वर्जन 2। सो कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हो RIP का, वो इस फील्ड के अंदर मैंशनड होता है। देन दिस इज रिजर्व फील्ड, इसको अभी हम नहीं देखते। इसके बाद है फैमिली। फैमिली इज अ 16-bit फील्ड, सो दिस इज 16-bit, और ये दोनों जो हमने पढ़ी थी वो क्या कहती, ये 8-bit है और ये भी 8-bit। सो फैमिली इज अ 16-bit फील्ड दैट डिफाइंस द टाइप ऑफ फैमिली और द डिफाइंस द फैमिली ऑफ द प्रोटोकॉल। सो इट डिफाइंस प्रोटोकॉल फैमिली। और जनरली जब हम TCP/IP प्रोटोकॉल यूज करते हैं तो उसके लिए इसकी वैल्यू होती है 2। फैमिली की वैल्यू अगर 2 है, दैट मीन्स इट इज TCP/IP प्रोटोकॉल।
Then we have this network address. Network address is nothing but this is the destination address. तो डेस्टिनेशन एड्रेस है यहां पे, और इसके बाद हमारे पास डिस्टेंस, डिस्टेंस इज अ 32 बिट फील्ड, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 32, एंड इट इज यूज्ड टू डिफाइन द हॉप काउंट, और इट डिफाइंस हॉप काउंट. सो दिस इज द फ्रेम फॉर्मेट ऑफ आरआईपी. कमांड रिक्वेस्ट है रिस्पॉन्स को शो करता है, वर्जन आरआईपी का वर्जन शो करता है, फैमिली किस टाइप का प्रोटोकॉल यूज हुआ है, नेटवर्क एड्रेस आपका डेस्टिनेशन एड्रेस को शो करता है, और डिस्टेंस हॉप काउंट को शो करता है. ठीक है, अब देखते हैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बारे में. रिक्वेस्ट मैसेज क्या होता है? इट इज सेंड बाय अ राउटर दैट हैज जस्ट कम अप और बाय अ राउटर दैट हैज सम टाइम आउट एंट्रीज. सो अगर आपको किसी राउटर से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम रिक्वेस्ट मैसेज को सेंड करते हैं. अब रिक्वेस्ट मैसेज दो तरीके से हो सकता है, दैट इट कैन बी अ रिक्वेस्ट फॉर सम स्पेसिफिक राउटर. सो रिक्वेस्ट फॉर सम और इट कैन बी अ रिक्वेस्ट फॉर ऑल द राउटर्स. अगर रिक्वेस्ट फॉर सम है तो जो डेस्टिनेशन एड्रेस है, नेटवर्क एड्रेस की फील्ड है, उसमें आप नेटवर्क एड्रेस ही मेंशन करोगे. जिस राउटर के लिए रिक्वेस्ट है उसका नेटवर्क एड्रेस. अगर रिक्वेस्ट फॉर ऑल है तो नेटवर्क एड्रेस की फील्ड में आप मेंशन करोगे ऑल जीरोस. सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिक्वेस्ट मैसेज. देन वी हैव रिस्पॉन्स मैसेज. अब रिस्पॉन्स किसी राउटर से आता है तो रिस्पॉन्स सॉलिसिटेड भी हो सकता है और अनसॉलिसिटेड भी हो सकता है. इसमें डिफरेंस क्या है सॉलिसिटेड और अनसॉलिसिटेड में? दैट दिस इज सेंट ओनली इन रिस्पॉन्स. मतलब अगर किसी ने रिक्वेस्ट की थी तो उसके रिस्पॉन्स में, उसके आंसर में ये वाला मैसेज सेंड किया जाता है. वेयर एज अनसॉलिसिटेड इज सेंट पीरियोडिकली. It is sent periodically every 30 second or when there is a change in the routing table. तो हर 30 second के बाद भेजा जाता है, या फिर अगर कोई routing table में change हुआ है तो तब भी हम अनसॉलिसिटेड रिस्पॉन्स मैसेज को सेंड करते हैं. जबकि सॉलिसिटेड रिस्पॉन्स मैसेज तभी भेजते हैं जब कोई रिक्वेस्ट आती है उसके आंसर की फॉर्म में. देन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइमर्स इन आरआईपी. सो क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइमर्स इन आरआईपी. सो बेसिकली वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइमर्स इन आरआईपी. वन इज पीरियोडिक, periodic timer. Then we have this expiration timer or expiration timer, and the third is garbage collection. So three timers are periodic, expiration and garbage collection. So now let's see the difference between all the three timers. So this is the difference between periodic, expiration and garbage collection. Periodic timer की value generally 25 से 35 second के बीच में set करते हैं. और ये क्या करता है? It controls the advertisement of regular update message and it counts down to zero. मतलब timer की value क्या set कर देंगे? 25 से 35 के बीच में. उसके बाद वो नीचे नीचे decrease होना शुरू करता है. So it counts down to zero and when zero is reached, an update message is sent. जैसे ही जीरो मिलता है एक पीरियोडिक अपडेट मैसेज भेज देते हैं और टाइमर की वैल्यू दोबारा से सेट कर देते हैं. सो दिस इज पीरियोडिक टाइमर. देन वी हैव दिस एक्सपायरेशन. इसकी वैल्यू सेट होती है 180 सेकंड पे
और ये करता है, इट गवर्न्स द वैलिडिटी ऑफ ए रूट, कि एक रूट वैलिड है या नहीं ये उसको चेक करता है। अगर कोई अपडेट नहीं मिला विद इन अलॉटेड 180 सेकेंड्स उस रूट के बारे में, देन द रूट इज कंसिडर टू बी एक्सपायर्ड, और उसका हॉप काउंट फिर हम 16 सेट कर देते हैं। देन वी हैव दिस गार्बेज कलेक्शन। अब जैसे कि एक रूट है वो इनवैलिड हो गया, तो उसको एकदम से टेबल से नहीं हटाएंगे। सो इट सेज व्हेन द इंफॉर्मेशन अबाउट अ रूट बिकम्स इनवैलिड, राउटर डज नॉट पज दैट टेबल और पज दैट रूट फ्रॉम द टेबल, इंस्टेड कंटिन्यूज टू एडवर्टाइज द रूट विद कॉस्ट इज इक्वल टू 16। इसका मतलब एक रूट के इनवैलिड होने के बाद भी 120 सेकेंड के लिए उस रूट को एडवर्टाइज किया जाता है और उसकी जो कॉस्ट है वो क्या रखते हैं 16। 120 सेकेंड के बाद उस रूट को टेबल से हटा देते हैं। सो दिस इज गार्बेज कलेक्शन टाइमर। सो दिस इज अबाउट द RIP। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।